गोरखपुर में शनिवार को 24 घंटे के अंदर मात्र 4 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसके बाद से जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 21,373 पहुंच गया है। इनमें 20,926 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मौत की संख्या 357 हो गई है। वहीं जिले में एक्टिव केस की संख्या 90 रह गई है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने की है। शनिवार को मिली कोरोना रिपोर्ट में शहर की बात करें तो शाहपुर में 1 और कैंट थाना क्षेत्र में 2 मरीज मिला है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के चरगावा में 1 मरीज मिला है। इसके साथ ही अन्य थाना क्षेत्र में 1 अन्य मरीज भी मिला है। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने करते हुए बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है, साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर प्रसाद पांडे ने बताया कि इस बीमारी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इसका वायरस ठंड में ज्यादा असर करता है। इसलिए लोगों को भीड़ भाड़ से बचते हुए मास्क का इस्तेमाल करना होगा। जब तक कोरोना की वैक्सीन सभी को नहीं लग जाती, तब तक मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है।